राज्य हज कमेटी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है। अब हज यात्रियों को मदीना जाने के लिए मुंबई से फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब हज यात्री सीधे तौर पर भोपाल और इंदौर से मदीना जा सकेंगे। साथ ही यात्रियों को हज का फॉर्म भी मुफ्त में मिलेगा। अब भोपाल और इंदौर से हज यात्री सीधे मदीना जा सकेंगे। पहले हज यात्रियों को भोपाल और इंदौर में एम्बोकेशन पॉइंट न होने की वजह से मुंबई से मदीना की फ्लाइट पकड़ना पड़ता था। वहीं राज्य हज कमेटी अध्यक्ष रफत वारसी ने बताया कि इस मुद्दे को हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से केंद्र सरकार के सक्षम उठाया गया था। हज कमेटी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मोहर लगने के बाद हज यात्री भोपाल और इंदौर से सीधा मदीना जा सकेंगे। इसके साथ ही पहले हज के फॉर्म की फीस 300 रुपए थी, लेकिन अब हज के फॉर्म मुफ्त में मिलेंगे। इस बार हज कोटा बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। हज यात्रियों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 9-10 फरवरी को घोषित हो सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।